स्टूडेंट्स ये एनसीआर टी एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री की प्रॉब्लम नंबर थ्री है राइट right? तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इेशनल राइट आपके पास तीन प्रॉब्लम गिवेन है फर्स्ट वन इज वन बाई अंडर रूट टू सेकेंड सेवन अंडर रूट फाइव एंड थर्ड इज सिक्स प्लस अंडर रूट टू ठीक है और आपको प्रूव करना है कि ये तीनों टर्म्स जो हैं ये इैशनल है राइट right? सो so, हम फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट इज वन बाई अंडर रूट टू राइट right? तो इसको जो है हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे दैट मीन्स कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर है ये इेशनल है इसका उल्टा हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये नंबर जो है रैशनल नंबर है राइट सो लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट वन बाय अंडर रूट टू इज़ रैशनल राइट तो अगर ये हम रैशनल मान के चल रहे हैं तो श्योरली वन बाय अंडर रूट टू जो है ये ए बाय बी की फॉर्म में हम ले सकते हैं राइट right? यहाँ पे ए एंड बी जो है को प्राइम है राइट को प्राइम मीन्स कि इनका जो है केवल वन ही कॉमन फैक्टर आ सकता है अदर देन दैट इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे आप वन बाय अंडर रूट टू को अंडर रूट टू ले लो राइट right? तो अगर आप इस वैल्यू को अंडर रूट टू ले रहे हो तो ये भी इनवर्स हो जाएगी राइट सो इट विल बी बी बाय ए अब हमारे पास बी एंड ए जो है ये इंटीजर्स हैं राइट सो अगर ये इंटीजर हैं तो श्योरली इनका जो डिवीजन होगी वो भी हमारे पास रैशनल नंबर देगी राइट सो यू कैन राइट बी एंड ए आर इंटीजर्स देयर फोर बी बाय ए इज ए रैशनल नंबर राइट लेकिन हमने वन पॉइंट फोर में किया है कि अंडर रूट टू जो है ये तो इैशनल नंबर है राइट सो यू कैन राइट बट अंडर रूट टू इज इेशनल सो अब यह तो हो नहीं सकता कि रैशनल जो है वो इर रैशनल नंबर के इक्वल आए राइट सो रैशनल केन नॉट बी इक्वल टू इर रैशनल राइट right? तो यहां पे हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रही है क्योंकि हमने एजम्प्शन ही गलत की है राइट सो यू कैन राइट बिकॉज आर एजम्प्शन ज इनकरेक्ट ठीक है कि हमने जो एज्यूम किया है कि वन बाय अंडर रूट टू हमारे पास रैशनल नंबर है वो एजम्पन ही गलत है इसीलिए यह कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है ओके okay? अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज सेवन अंडर रूट ओके okay. इसको भी हम कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे सो so, अगेन हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो सेवन अंडर रूट फाइव है ये हमारे पास रैशनल नंबर है सो यू कैन राइट लेट अस अज्यूम टू दरी दैट सेवन अंडर रूट फाइव रैशनल अगेन अगर हम सेवन अंडर रूट फाइव जो है इसको रैशनल कह रहे हैं तो श्योरली ये हमारे पास ए बाय बी की फॉर्म में आ सकता है राइट इसमें ए एंड बी जो है वो को प्राइम है को प्राइम मीन्स कि इनमें केवल वन एज कॉमन फैक्टर आ सकता है अदर देन दैट इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकते राइट सो so, अब आप ये जो सेवन है ठीक है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाओगे तो श्योरली ये डिवीज़न में आ जाएगा सो अंडर रूट फाइव इक्वल टू ए बाय सेवन बी आ गया राइट right? नाउ अब सेवन ए एंड बी ये हमारे पास इंटीजर्स हैं तो श्योरली अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट और डिवीज़न देंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा सो यू कैन राइट सेवन ए एंड बी आर इंटीजर्स देयर फोर ए बाय सेवन बी इज ए रैशनल नंबर लेकिन अकॉर्डिंग टू theorem 1.4 हमारे पास कोई भी इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट किया जाता है या अंडर रूट किया जाता है वो इर नंबर होता है राइट अंडर रूट टू भी इसीलिए इ नंबर आया था राइट right? सो so, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट अंडर रूट फाइव इज ए इैशनल नंबर राइट right? सो so, अगर अंडर रूट फाइव इेशनल है और ए बाई सेवन बी रैशनल है ठीक है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी ठीक है कभी भी रैशनल जो है वो इर के तो इक्वल आ नहीं सकता है राइट सो यू कैन से दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रही है क्योंकि हमने अजम्पशन ही गलत किया है बिकॉज आर अजम्पशन इज इनकरेक्ट अजम्पशन क्या थी कि हमारे पास सेवन अंडर रूट फाइव जो है वो रैशनल नंबर है तो अगर सेवन अंडर रूट फाइव रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा इर सो यू कैन से सेवन अंडर रूट फाइव इज इेशनल थर्ड पार्ट इसमें सिक्स प्लस अंडर रूट टू जो है आपने इेशनल प्रूव करना है राइट तो अगेन हम यहां पे भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे सो लेट अस अज्यूम

हमारे पास को प्राइम नंबर है ठीक है को प्राइम मतलब कि इनमें केवल वन एज कॉमन फैक्टर आ सकता है अदर देन दैट इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा ओके सो सिक्स जो है इसको आप दूसरी साइड ले जाओगे तो ये श्योरली माइनस का आ जाएगा सो अंडर रूट टू इक्वल टू ए बाई बी माइनस सिक्स ठीक है इसका आप एलसीएम ले लोगे सो एलसीएम बी आ गया नाउ यहाँ पे मैं वन अज्यूम कर सकती हूँ सो बी डिवाइडेड बाय वन बी हो गया ठीक है बी इंटू सिक्स सिक्स बी आ जाएगा सो ए माइनस सिक्स बी आ गया राइट अब ए बी और सिक्स ये तीनों इंटीजर्स हैं तो श्योरली मैं ये कह सकती हूँ कि इनका जो भी सब्ट्रैक्शन होगी या फिर इनकी जो भी डिवीजन होगी वो मेरे पास रैशनल नंबर देगा राइट सो यू कैन राइट सिक्स ए एंड बी आर इंटीजर्स देयर फोर ए माइनस सिक्स बी बाय बी इस रैशनल नंबर राइट लेकिन हमने थ्योरम 1.4 में किया है कि अंडर रूट टू जो है वो तो इैशनल नंबर है राइट सो यू कैन राइट बट अंडर रूट टू इज इेशनल अब हमारे पास रैशनल नंबर कभी भी इर के इक्वल तो नहीं आएगा सो यू कैन राइट रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इर राइट सो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शनल राइज हो गई यू कैन राइट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रही है क्योंकि हमने अजम्प्शन ही गलत की थी बिकॉज आर अजम्प्शन एज इनकरेक्ट ठीक है इनकरेक्ट अजम्पन क्या थी कि सिक्स प्लस अंडर रूट टू जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है हेंस अगर ये रैशनल नहीं है सिक्स प्लस अंडर रूट टू सिक्स प्लस अंडर रूट टू देन हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा